नमस्कार, आप सभी का डिजियाना हलचल में फिर स्वागत है। आपके लोकप्रिय कार्यक्रम नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर अपना शहर अपनी बात के अंतर्गत चुनावी दंगल में हमारे बीच में है पूर्व केंद्रीय बैंक अध्यक्ष अशोक जी चौटाला साहब, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, और एक हमारे साथ में है जिला प्रवक्ता कांग्रेस सुजीत जी उपाध्याय साहब। यहाँ पर ये सभी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ वो मुद्दे होना चाहिए जो जनता के बीच में आए, जनता के लिए आए, और जनता के क्या ऐसे काम हैं जो आने वाले भावी जो प्रत्याशी हैं वो बीच में बनाकर लेके आए, जिससे जनता को लगे कि यह सरकार उन्हीं की है। वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे साथ में है वरिष्ठ अशोक जी चौटाला साहब, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो होना चाहिए कि लगे आम जनता को कि ये नगर की सरकार अपनी सरकार है। नगर निगम चुनाव को लेकर आज की इस परिचर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं, और निश्चित ही नगर के हित में ये जो परिचर्चा आयोजित की जा रही है कि वास्तव में आम आदमी नगर निगम से क्या चाहता है। पहले तो हम नई योजनाएं जो बनाएंगे वो हमारी पार्टी जो भी घोषणा पत्र वादा करेगी, एक तो वो, और दूसरी पिछले समय से जो समस्याएं चली आ रही है उनका कैसे समाधान किया जाए वो मुद्दे प्रमुख रहेंगे, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। सबसे पहले नगर में शुद्ध पेयजल आम आदमी को मुहैया हो। पिछले वर्षों कई वर्षों से देखने में आ रहा है कि गर्मी के तीनों में ही दो तीन चार माह आम आदमी को पानी के लिए समस्या का सामना करना पड़ता है। तो नगर निगम के इस चुनाव में जो भी सरकार बनेगी, आम आदमी उनसे यही चाहता है कि उनको समय पे पानी मिले, शुद्ध पानी मिले। पानी का वितरण का सिस्टम गढ़ बनाने से आम आदमी के जो दिनचर्या का सिस्टम है वो भी गड़बड़ा जाता है, और इससे वो प्रभावित भी होता है और आक्रोशित भी होता है। कई बार देखने में आया भी हमारा मूल स्त्रोत जो धोलावाड़ का है, वहाँ पर पानी दूर चला गया, फिर मट पंप डालेंगे, ये करेंगे, वो कर। हर साल यही बातें होती हैं, और स्थायी समाधान इसके लिए होना चाहिए। तो आने वाली जो परिषद रहेगी उसमें हम यही आम आदमी और हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि शुद्ध पेयजल समय पर सभी नागरिकों को मिले, चाहे वो एक दिन छोड़कर मिले लेकिन समय पे मिले। ठीक है, कभी कोई इक्का दुक्का कोई अपवाह स्वरूप समस्या आती है वितरण में या किसी कारण पर, तो भी आम आदमी समझता है। लेकिन जो अब आए दिन जो सुबह जो लाउड स्पीकर से जो ऐलान होता है वो हमारे नगर के लिए एक अच्छी बात नहीं है। इतने वर्षों से हम अगर शुद्ध पेयजल देने में असफल रहे तो अब हमको स्थायी रूप से समाधान के लिए उसके लिए योजना बनाई जाना चाहिए। दूसरी समस्या अवैध कॉलोनियों को लेकर है। प्रदेश सरकार ने हमारे यहाँ अनेक प्रयास किए कि अवैध कॉलोनियों में, अविकसित कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं आम आदमी को मुहैया हो, क्योंकि अवैध कॉलोनी या अविकसित कॉलोनी में वही लोग रहते हैं जो मध्यम वर्ग के हैं या जो गरीब परिवार के, और वो काफी बड़ी संख्या है। और इसके लिए भी नगर निगम सरकार को अपने स्तर पर प्रयास करके इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध कराने का बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी है वो निभाना पड़ेगी। वादों से काम नहीं चलेगा, जो किए गए वादे हैं उन पर अब अमल करने का समय आ गया है। नगर निगम चुनाव में हमारी पार्टी इस ओर ध्यान देगी। तीसरा जो मुद्दा है सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था में पिछली परिषदों ने अच्छा काम किया, लेकिन जो
वार्ड के अंदर जो गाड़ियां जाती है वो जल्दी खराब हो जाती है, कभी आती है कभी नहीं आती है। आज अगर हम कोई फोर व्हीलर वाहन लाते हैं तो वो 3-4 साल तक मेंटेन रहता है, जबकि नगर निगम के अंदर कचरा वाहन आते हैं 2-3 महीने नए नए वाहन ही खराब हो जाते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। सफाई व्यवस्था अगर सही रहेगी और माननीय मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में सफाई व्यवस्था को लेकर जो एक जन आंदोलन खड़ा किया है अलग जगह ही है, और उसमें प्रतिस्पर्धा भी होती है। हमारे नज़दीक के प्रदेश के महानगर इंदौर लगातार भारत के अंदर प्रथम स्थान पर सफाई व्यवस्था में आ रहा है। हमारे यहाँ पे भी प्रयास होते हैं, लेकिन और उसमें मेहनत करके सफाई व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। साथ ही एक ये सीवरेज की है, सीवरेज के अंदर भी एक कंट्रोल रूम बनाना पड़ेगा कि जहाँ सीवरेज के कारण जो परेशानियां उत्पन्न होती है आए दिन, जो नल फूट जाते हैं या जो सड़कों पे पानी गंदा पानी बहता है, तो जब ये पूर्ण रूप से मूर्त रूप लेगी तो स्वाभाविक है कि अच्छे काम में कुछ संचालन में कुछ समस्याएं आएगी, तो उसके लिए कंट्रोल रूम होना चाहिए जहाँ पर आम आदमी को ये लगता है कि यहाँ ये गंदगी हो रही है, सीवर लाइन के कारण परेशानी हो रही है, तो वो कंट्रोल रूम पे सूचना देकर फोन करके और उसको सुधरवाने के लिए या समस्या का ध्यान नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को आकर्षित करके उसका समाधान के लिए वो पहल कर सके और उसकी बात सुनी जा सके। सुजीत जी, आपसे ये सेकंड प्रश्न है कि क्या कुछ आपकी साइड से ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो जनता के बीच में पहुंचे, जनता की बात रखें और वो आम जनता को लगे कि ये वास्तव में हमारी सरकार है। देखिए, पिछले 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार है और पिछले 4 साल से चूंकि चुनाव संपन्न नहीं हुए नगर निगम के, तो अफसरशाही का राज है। रतलाम की जनता जो भी शहर की जनता होती है उसके सुविधा देने का दायित्व नगर सरकार को होता है और नगर सरकार को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आम जनता को की जो मूलभूत सुविधा है वो कैसे मुहैया कराई जाए। सबसे सर्वप्रथम जल पर आते हूँ। जल एक ऐसी है जहाँ पे मतलब रोज ही जिसका हमको जरूरत लगती है, पर पिछले लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि पहले जल हमें मिलता था कम मिलता था, फिर एक परिषद ने निर्णय करा कि 2 दिन में हम आपको जल प्रदाय करेंगे। 2 दिन से होते होते वो पहुंच गया है 5 दिन और अब तो गर्मी के दिनों में तो ये स्थिति हो जाती है कि शहर में माताओं बहनों को केवल सुबह से एक ही चिंता रहती है कि जल का वितरण कब होगा। तो सर्वप्रथम जो भी नगर सरकार बने, हमारी पार्टी की बने, तो सर्वप्रथम हमारा मुद्दा रहेगा कि रतलाम की जनता को अगर हम नियमित जल नहीं दे सके पर एक दिन छोड़कर भी दें, पर वो एक दिन छोड़कर भी नियमित रूप से हम उनको जल प्रदाय करा सकें। एक उसका एक समय निश्चित करेंगे कि पहले जैसे होता था कि 30 मिनट 35 मिनट, अभी देखने में आता है 10 मिनट आते चले जाते हैं, प्रेशर से जल नहीं आता है। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करना हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि हम जनता को हमें निश्चित समय के लिए और एक दिन छोड़ के अगर एक दिन हम दे रहे, वैसे अगर हमारी महापौर आते हैं हमारी परिषद बनती है तो कुछ समय बाद हम ये भी प्रयास करेंगे कि जनता को प्रतिदिन जल मिल सके, क्योंकि अभी हमने देखा 15 दिन हम जल लेते हैं वो भी 4-5 दिन नहीं आता है और जनता से पूरा पैसा लिया जा रहा है महीने का, जनता इससे परेशान है। सफाई पे आ जाओ, तो सफाई के लिए आप जितने प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है आम जनता कर रही है वो जब फेल हो जाते हैं, जब आप नई नई सड़कों को अभी आपने सीवरेज के माध्यम से उखाड़ दिया वो उखड़ गई, पाइपलाइनें टूट जाती हैं, उसका कोई रखरखाव नहीं होता। जो भी पार्षद आता है जो भी आता है, एक तो उसको नियमित रूप से शहर में अपने वार्ड में घूम के देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है जो नगर निगम की जवाबदारी है कि वर्षों से जो गरीब तबका जो जहाँ पे कहीं सब्जी बेच रहा है कहीं फल बेच रहा है या वर्षों से रोजगार कर रहा है या एकदम उसको जैसे अभी आपने पिछली बार भी देखा कि एकदम निर्णय ले लिया गया प्रदेश सरकार द्वारा कि उनको हटा दिया जाए, तो उनको आपको हटाने की जगह अगर उस जगह पे कोई वास्तव में नियमित
आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है या वास्तव में ऐसा कोई डेवलपमेंट शहर का हो रहा है कि जिसके लिए उनको हटाना जरूरी है, तो उनको विस्थापित करने की योजना बनाई जाए ताकि उनको भी उनका उनको रोजगार ना छीना जाए, उनको रोजगार मिल जाए सर। दूसरी बात, तीसरी बात, रोडों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आए हम आएंगे तो देखेंगे कि जिन रोडें बन चुकी है उसको एक निश्चित समय अवधि में तोड़ा ना जाए। आम जनता पैसे देती है, टैक्स देती है, हमने देखा, आपने देखा होगा स्टेडियम मार्केट के बाहर अंबेडकर भवन के यहाँ पे रोड थी, उसको तोड़ दिया गया। रोडों को बनाया जाता है, बाद में उसको तोड़ के फिर नहीं बनाने के प्रोसेस में आप आ जाते हो। शास्त्री नगर में रोड बनी, अभी उसको फिर चौड़ीकरण करना है, साइड में आपने दोनों साइडें बना दी, सर्विस साइड है, फिर तोड़ रहे। तो इस तरीके से जनता के धन का दुरुपयोग होने से हम इसको रोकेंगे कि कैसे हम काम करें। और तीसरा कि सफाई व्यवस्था और इसके साथ एक पूरी मॉनिटरिंग व्यवस्था एक अलग से वार्ड वाइज बनी जाए, वार्ड वाइज नहीं ब्लॉक वाइज बनी जाए, जिसके अंदर हम 5 या 7 वार्डों को, 10 वार्डों को लेके या 15 वार्डों को लेके कंट्रोल रूम स्थापित करेंगे। जैसे एक पटरी पार हो गया है, एक बाजार क्षेत्र में हो गया, एक ही क्षेत्र में हो गया कि जल वितरण हो या सफाई हो उसके लिए जनता को नगर निगम तक ना जाना पड़े और वो वहीं पहुंच जाए। और साथ ही ये जल कर भरना हो या संपत्ति कर भरना हो इसके लिए भी हम ब्लॉक वाइज एक कंट्रोल रूम बनाएंगे ताकि जनता को नगर निगम के चक्कर ना खाना पड़े और वो अपने क्षेत्र में ही जाके इस तरीके के व्यवस्था का उपयोग कर सके। अब जोड़ा लीजिए वापस आपसे ये बात की जाए, मतलब इतने साल के बाद भी यदि ये मुद्दे वापस अपन को बताने पड़ रहे हैं तो आखिर क्या कुछ कारण है कि जनप्रतिनिधि आते हैं और उसके बाद में वादे करते हैं और पूरे नहीं कर पाते, तो इनको क्या कुछ ऐसे वादे करने चाहिए या क्या इनको ऐसा काम करना चाहिए जिससे इनको लगे लोगों को कि भाई वादे नहीं है, वास्तव में हकीकत में काम हो रहा है, ऐसा क्या इनको निर्णय लेना चाहिए या इसके लिए क्या कंट्रोल ऊपर करना चाहिए जिसकी वजह से इस तरह की व्यवस्था लागू हो। जी, नगर निगम के काम तो मुख्य रूप से सब निश्चित है, नागरिकों को अच्छा शुद्ध जल मिले, समय पर जल मिले, सफाई व्यवस्था अच्छी हो, आवागमन का साधन अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन, आज रेलवे स्टेशन से जो हमारी सिटी बस की अभी जो योजना थी लेकिन वो मूर्त रूप नहीं ले सकी, वो अच्छी व्यवस्था हो, नगर निगम से संबंधित जो परमिशन की, अनुमति की जो भी कार्य है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से, अब तो ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, घर बैठे आदमी भर ले, ऐसी इन बातें तो सबको फिक्स है कि यही चीज़ें नगर निगम को ऑपरेट करनी है, लेकिन उसमें नागरिकों के साथ साथ में वहाँ का जो स्टाफ कर्मचारी वो भी उनमें भी वो लगाव होना चाहिए कि भाई मेरा शहर है और मेरे नागरिक है तो बेहतर से बेहतर सुविधा है और बेहतर से बेहतर व्यवस्था है वो आम आदमी को उपलब्ध कराने का ही काम है। बस बातें तो वो की हुई है, हर आदमी चाहता है कि मेरा शहर सुंदर हो, हर आदमी चाहता है कि मेरे क्षेत्र के अंदर सफाई व्यवस्था अच्छी हो, हर आदमी चाहता है कि मेरे क्षेत्र में सड़कें अच्छी हो, हर आदमी चाहता है कि हमें समय पे पानी मिले। आज हिम्मत जी कोठारी के समय में कनेरी योजना जो डैम तैयार पानी देने के लिए उसमें प्रावधान भी है कि शहर को पानी मिलेगा, लेकिन इसके लिए पूर्व से प्लानिंग बनानी पड़ती है कि हम और जनप्रतिनिधि कोई भी हो उनको शहर के वरिष्ठ लोगों को, सभी को, प्रमुख लोगों को साथ में नगर विकास के लिए, नगर हित में चर्चा करनी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति अगर निर्णय लेगा तो फिर वो व्यवस्था मूर्त रूप लेगी तो उसमें कुछ कमी खामियां रहेगी, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं सीवर लाइन के माध्यम से हो चाहे किसमें, तो काम नगर निगम के फिक्स है। आप देख लीजिए मतलब सफाई व्यवस्था, जल व्यवस्था, सड़क, ट्रांसपोर्टेशन, लोगों के काउंटर पे एक खिड़की प्रणाली लागू की लेकिन असफल हो गई, राशन के बहुत से काम सरकार ने दे रखे हैं, तो इन सब चीज़ों का मॉनिटरिंग सही से हो और जनप्रतिनिधि आम आदमी के हित में काम कर रही अपेक्षा है। नहीं, वही मैंने कहना क्योंकि जनता के बीच में आप चुने जाते हैं, चुन के चले जाते हैं, आप अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर वो क्या वजह रहती है, तो इनको क्या सीख देना चाहेंगे कि भाई वो जाते जनता है, पार्टी का पक्ष लेके हैं, काम करने के लिए जाते हैं, वादे करते हैं, फिर वो अपनी उस चीज़ से हट जाते हैं तो जनता को ठगा सा लगता है कि यार हमने इसलिए तो नहीं भेजा था इनको, तो उनको क्या एक विजन के लिए क्या कोई कमेटी अपन बनाएंगे जिसकी वजह से सोचा जा सकता है कि भाई कमेटी होना चाहिए जो इन सब के ऊपर मॉनिटरिंग करे, जो इन सब को लोगों को निर्देशन कर सके। नहीं, सीख वाली बात भी है तो स्वाभाविक बात है, जब जनप्रतिनिधि वार्ड का पार्षद अगर वार्ड के अंदर घूमेगा तो उसको एक वार्ड के अंदर एक विकास समिति या एक जो वार्ड के हित में अच्छे समाज के प्रतिष्ठित लोगों को, अच्छे लोगों को उसमें शामिल करके समय समय पे महीने 2 महीने 6 महीने में एक बार विचार करके और वार्ड में क्या अच्छे काम हो सकते हैं, नगर
वार्ड के नागरिकों से ही लो ना, जिन्होंने चुना उन्हीं से आप सलाह लोगे और उस काम को मूर्त रूप दोगे, तो उसमें ना तो कोई वो कंप्लेंट कर सकेगा और ना आप पे आरोप लगेंगे। अब वार्ड के नागरिकों को सबसे सामने रखो ना आप, तो ये सिस्टम होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। और तो फिर कोई कंप्लेंट जैसी बात ही नहीं रहेगी, और पूरे नगर को लेकर भी वहां से जो बात उठेगी कि भाई ये काम होना चाहिए कि भाई हमारे क्षेत्र के अंदर जो आप अगर सवारी स्टेशन से या बस स्टैंड से सवारी आने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है, तो वही नागरिक सुझाव देंगे ना। नागरिकों से सुझाव लेकर ही अगर नगर निगम का संचालन किया जाए तो इससे बेस्ट, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। सुजीत भाई, इसके अंदर कुल मिला के देखा जाता है कि इनका भी एक सुझाव है कि मॉनिटरिंग कमेटी होना चाहिए पार्षदों के ऊपर, या जो जो भावी प्रत्याशी है जो चुनकर जाएंगे उनके ऊपर। आप इस बात से कितना सहमत है कि क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों की भावनाएं जुड़ सके, उनको लगे कि हमारा क्षेत्र का वास्तव में हमारा जनप्रतिनिधि हमारा है? आप भी क्या इस बात को लेकर इनको राय देना चाहेंगे, अपने जो उम्मीदवार हैं या जो वरिष्ठ लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं? नहीं, नगर परिषद बनने के बाद ये महापौर जी की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि उन 50 पार्षदों के अंदर से 10 से 15 पार्षद ऐसे चुनकर आते हैं जो बहुत अनुभवी होते हैं, वरिष्ठ होते हैं। MIC गठन के बाद अगर महापौर जी चाहते हैं तो उनको ऐसी मॉनिटरिंग करने के लिए अपने वरिष्ठ जो सदस्य हैं उनको कमेटी ना भी बनाए तो भी 2-3 वार्डों का इंचार्ज जो जिनके खुद के वार्ड से लगे हुए वार्ड हो उसकी मॉनिटरिंग देना चाहिए। कि चूंकि कुछ लोग क्या होता है, ज्यादातर नए जीत के आ जाते हैं, जो नए जीत कर आ जाते हैं उनको नगर निगम की कार्यप्रणाली का कोई अनुभव होता नहीं है, वो इधर उधर घूमते हैं, कुछ समय ऐसा निकाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ भिड़ के करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे पार्षद हो जाते हैं जो निराश होकर बैठ जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि अधिकारी जो कर देगा वही सही होगा, और ऐसे में वार्डो का विकास रुक जाता है। तो ऐसे में जो भी आए उसको सबसे पहले करना चाहिए कि अपने वरिष्ठ सदस्यों की एक समिति बना देना चाहिए कि सर ये आप इतने से इतने वार्ड पे मॉनिटरिंग करना, क्या यहाँ पे काम हुआ कि नहीं, उस पार्षद को बुला के पूछना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन सी महत्वपूर्ण समस्या है जिसका निराकरण सर्वप्रथम होना चाहिए, उसके प्राथमिकता और वरीयता बनानी चाहिए कि भैया मेरे इस वार्ड के अंदर 4 रोडे बनना अनिवार्य है, 5 नालियां बनना अनिवार्य है। ऐसे करके उन पार्षदों से आप डे टू डे आपको चर्चा करना पड़ेगी, क्योंकि वो अनुभवहीन है। तो जब ऐसा काम अगर आप करोगे तो वार्डों के विकास में तेजी आएगी, साथ ही जो अनुभवी पार्षद है उनको इन पार्षदों को कहना चाहिए कि आप एक चौपाल बनाओ, जनता चौपाल बनाओ, जिसके अंदर आप एक वार्ड के अंदर जैसे जितने बूथ है उस बूथ वाइज महीने में आप एक बार कोशिश करो कि एक बूथ की जनता से जाके वहाँ पे एक ही जगह बैठ के मिल सके और पता कर सके कि उनके क्षेत्र में क्या समस्या है। अगर इस तरीके की व्यवस्था बनती है तो निश्चित रूप से विकास को, शहर विकास को गति मिलेगी। छोड़ाला जी, आखिरी आपसे एक सवाल कि भाई ये जो पूरी व्यवस्था है, जो अब आगामी चुनाव होने भी वाले हैं, प्रत्याशी लगभग घोषित हो चुके हैं, क्या ऐसे एक मतलब दो लाइन हो कि भाई मुद्दे हो जिसकी वजह से जनता को लगे कि ये हमारी सरकार? नहीं, अब मुद्दे तो चुनाव भी तो विड्रॉल के बाद में सारी स्थिति सामने आएगी। हमारी पार्टी को हमारे जो कॉन्सेप्ट है, विजन है, वो हम सामने रखेंगे और उसी के आधार पर जनता निर्णय करेगी, और जनता का विश्वास हम पूरा जीतने का प्रयास करेंगे। तो ये सब चीज़ें तो अब आने वाले समय में जब सारे सब के अपने अपने विजन पार्टियों के आ जाएंगे, उसमें हम भी, हमारी पार्टी भी अपना घोषणा पत्र रखेगी और संकल्प पत्र पर हम जो संकल्प लेंगे उस पर हम काम करेंगे, और जनता कितना विश्वास करती है उसी का तो चुनाव हो रहा है। तो अब आने वाले समय में सारी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन आज के इस अवसर पर मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा रतलाम स्वस्थ रतलाम, सुंदर रतलाम, स्वच्छ रतलाम की धारणा लेकर हम चुनाव के बीच में जाएंगे जनता के बीच में, और उनका विश्वास जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज आपने बुलाया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ जी। अब सुजीत भाई, आपसे एक आखिर ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि वास्तव में लोगों को लगे कि हमारी सरकार वास्तव में ये मुद्दे हैं और लेके आई है? कुछ दो लाइन में टेल करें कि भाई ऐसा हो। मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा कि हमारा भी जो घोषणा पत्र है वो तैयार हो रहा है, पर हमारे घोषणा पत्र में शहर विकास के विजन के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 सालों के कार्यकालों का भी उल्लेख करेंगे, क्यों 15 साल के लंबे कार्यकाल में अगर शहर में विकास नहीं हो पाया तो क्या कारण रहे, जबकि केंद्र में राज्य में आपकी सरकारें रही, रतलाम शहर में पिछले 8 साल से आपका विधायक है, उसके बाहर भी आज अगर शहर 5-5 दिन पानी की बाढ़ जो रहा है तो ये निश्चित ही इस रतलाम का दुर्भाग्य है।
और हम सब इन्हीं बातों को लेकर इनका भी उल्लेख करके हम हमारी बात बताएंगे कि जो काम 15 साल में नहीं हो सके वो हम 5 साल में करके बतलाएंगे और जनता को विश्वास दिलाएंगे कि आप हमारे को जिताएं ताकि हम शहर के विकास को गति दे सके। और कुल मिला के यह होता है कि शहर सब वार्डों से एक शहर बनता है और शहर से शहर की जनता और वहाँ के मुद्दे होते हैं। यहाँ पर हम देखने में आया है कि कहीं ना कहीं हर वार्ड की एक अपनी समस्या होती है, हर वार्ड का एक अपना प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन जब आदमी व्यक्ति चुनकर चला जाता है तो वो ये सोचता है कि अब मुझसे बड़ा कौन, वो वाली स्थिति आती है। शायद इसी वजह से ना तो वार्ड समिति बन पाती है, ना वार्ड के लोगों से मिल पाते हैं, ना कोई काम हो पाते हैं। दोनों के हमारे साथ में जो भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ माननीय अशोक जी चौटाला ने अपनी राय रखी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुजीत जी उपाध्याय ने अपनी राय रखी। दोनों की राय अपने अपने मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपना शहर अपनी बात तभी मालूम होगी, शहर विकास की बात तभी सार्थक होगी जब चुनकर सही लोग आपके बीच में जनता का प्रतिनिधित्व लेकर नगर सरकार में पहुंचेंगे। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि उन्हीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले जो जनता के हित में, जनता के लिए और जनता का ही कार्य करने की सोचे, न कि किसी एक अपने मतलब के लिए काम करे। दोनों पार्टी आपके बीच में आने वाली है, जल्द ही उनके घोषणा पत्र में घोषित होने वाले हैं। और हर बार घोषणा पत्र जारी होते हैं फिर भी घोषणा पत्र जारी करने की बात आ रही है, तो मतलब आप सोचा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और शायद मैं मानता हूं कि नगर सरकार इस बार वो सारी कमियां दूर कर बीच में पहुंचेगी और नगर सरकार बनाएगी। हम फिर मुलाकात करेंगे हमारे मेहमानों के साथ में, तब तक आप देखते रहिए चुनावी दंगल। नमस्कार।